यहाँ तक विदेश भी जाता है, चीन तक गया है यहाँ से। उसका चूना के पानी में 3 घंटा टाइट होता है। अच्छा अच्छा, उसको रखा जाता है। हाँ, उसका धो के सादा पानी से। किसी को रख दीजिएगा तो जल के राख हो जाएगा।
जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस समय मुजफ्फरपुर के मैं अखाड़ा घाट कर्पूरी नगर में आ गया हूं और मुजफ्फरपुर की जो पेठा जिसे शिशकुमरे के मुरब्बा कहते हैं बहुत ही यहां फेमस है और बारहों मास यानी कि पूरे साल बनते रहता है और यहां के मुरब्बा का जो स्वाद और इसका टेस्ट है सबसे अलग होता है और देश दुनिया में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो मैं यहाँ जो मुरब्बा बनाने वाले कारखाना है मैं उन लोगों से कुछ बात करके नई जानकारी दिलाता हूँ कि मुरब्बा बनाने की प्रक्रिया क्या है और यहाँ से कैसे सप्लाई और कोई व्यक्ति कैसे खरीद सकता है, तो इसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। तो आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार शर्मा। अच्छा, मनोज कुमार शर्मा जी, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। और ये आप किस जगह पर अभी आप? अखाड़ा कर्पूरी नगर। अखाड़ा घाट कर्पूरी नगर है, वार्ड नंबर 15। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए मनोज जी, ये जो मुरब्बा बनाते हैं तो इसकी बनाने की प्रक्रिया क्या है मुरब्बा का, थोड़ा बता सकते हैं? पहले तो फल कटता है। अच्छा, हुआ काटा जाता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद छेदा वगैरह करते हैं? छील के और छेदा होता है। हाँ। उसका चूना के पानी में 3 घंटा टाइट होता है। अच्छा अच्छा, उसको रखा जाता है। हाँ। उसका धो के, हाँ, सादा पानी से धो के, हाँ, और उसके ये चढ़ाया जाता है चूल्हा पे। अच्छा, चूल्हा पे जैसा कि चढ़ाया गया, इधर आइए थोड़ा दिखाइए, इसमें इसको पकने के लिए डाले हैं ये। हाँ। इसमें कैसे पकाते हैं इसको, जैसे आपने भट्टी पहले तैयार किया? तीन घंटा तक ये पकेगा। पकेगा और तार की तरह जब ले जा अच्छा जाएगा तब उतरेगा। और इसमें इसमें क्या क्या मिला है? दूध हाइड्रो। अच्छा, दूध भी डालेंगे? हाँ, दूध हाइड्रो फिटकरी, ये फिटकरी और चीनी डालेंगे। चीनी और इसके बाद ये कितने देर तक ले पकेगा? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा पकने के बाद इसकी क्या प्रक्रिया होगी इसके बाद? इसे तार की तरह। अच्छा, हाँ हाँ, वो लसलस करने लगेगा, चिपचिपा गोंद की तरह हो जाएगा। तार की तरह लम्बा निकलेगा, हो गया तब उसका निकलेगा उसमें। उसके बाद चाशनी में डालिएगा उधर। चाशनी, हाँ, उधर कढ़ाई में निकल के उसके बाद फाइनल टच दीजिएगा, फाइनल जब बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप लोग यहाँ जब बनाते हैं तो ये कहाँ सप्लाई करते हैं, कैसे पूरे इंडिया में जाके सप्लाई करते हैं, बिकता है? जब जाता है दुकान पे जाता है, दुकान पे से हर जगह के व्यापारी आता है, वो सब ले जाता है। मैंने आप लोग कहाँ कहाँ बेचते हैं? बहुत जगह, सिलीगुड़ी, कटिहार, इधर नेपाल, काठमांडू, ये सब सारे जगह बिहार में, भारत में सप्लाई होता है। यहाँ तक विदेश भी जाता है, चीन तक गया है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आपके यहाँ से गया है? अच्छा अच्छा, एक किलो का पीस। अच्छा, अगर आपको आपसे कोई अगर खरीदना चाहे छोटे स्तर या बड़े स्तर पे, छोटा या कम या अधिक, तो आप लोग सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं ऑर्डर देने पे? हाँ हाँ, जैबे का यहाँ से जाता है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों अगर आप भी इनसे अगर मुरब्बा डायरेक्ट इनके कारखाना से अगर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर और एड्रेस पर आकर बात करके आप इस मुजफ्फरपुर की जो फेमस और टेस्टी स्वाददार जो मुरब्बा है पेठा,
जो शिशकुमरा का बनता है, तो आप भी इसका स्वाद आनंद ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल घंटी भी दबाइएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। दोस्तों चढ़ा था अभी महाराज, बहुत पकाना पड़ता है रास में। Subscribe to my channel and also press this bell icon. इसको ला रही है, इसको फैलाइए। Yeah.